हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी खैरियत से ही हैं। वो अलग बात है कि रात को कान के दर्द ने मुझे सोने नहीं दिया, काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी मुझे। और आज का डे है संडे, सुबह हो चुकी थी और मैंने उठते ही जल्दी से बनाया थोड़ा सा नाश्ता और चाय। नाश्ते में बनी थी बस एक रोटी और थोड़ा सा सालन, और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और जल्दी से फ्री हुए, फिर हम तैयार हो गए क्योंकि अभी हमें जाना था आउट ऑफ सिटी। यहाँ से हम निकल पड़े थे। तो ये है जी हमारे घर से आगे जाके थोड़ा रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ पे हम जा रहे थे और ये हमारे सिटी की काफ़ी एक फेमस चीज़ है। अगर कोई सिटी से हो तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। बहुत इजी है। और हम जा रहे थे क्योंकि हमें लगा कि 9-10 बजे डॉक्टर की टाइमिंग होती है, वो आ जाएंगे। और भी एक दो छोटे छोटे काम थे, यहाँ हम गाड़ी में चुप करके ही बैठे थे, बाहर देख रहे थे। और मौसम एक ही जैसा था, धूप भी नहीं थी और सर्दी भी नहीं थी, मीडियम सा था। और हम जा रहे थे, कान में काफ़ी दर्द हो रहा था मेरे। मसला तो छोटा सा है पर काफ़ी परेशान किया है इसने। आगे से सारा टापस नज़र आता है, पीछे से बस वो बंद हो गया है, उसके ऊपर स्किन आके बंद हो गया अच्छे से। और ये हम जा रहे हैं, काफ़ी मुश्किल होता है वन डे में जाना आना, बैक करना पीछे। और आज हमने रास्ते में चाय भी नहीं पी थी, कभी पीते हैं कभी नहीं, पर आज नहीं पी थी हमने। और काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द भी हो रहा था, कान में दर्द हो या दांत में, साथ में सर में दर्द पता नहीं क्यों इतना होने लग जाता है। और आज जाते ही मुझे एक न्यू बात सुनने को मिली कि मुझे गोल्ड से एलर्जी हो चुकी है, मैं गोल्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मना किया है कि मैं ना इस्तेमाल किया करूं। यहाँ हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और इस हॉस्पिटल को देख के भी सिटी के लोग पहचान सकते हैं ये कौन सी हॉस्पिटल है। हम जा रहे थे रिसेप्शन पर, उन्होंने तो कहा था डॉक्टर 11 बजे तक आ जाते हैं, पर डॉक्टर आए थे 1 बजे। वैसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। और यहाँ हम पर्ची लेके बैठे उनका वेट कर रहे थे। चेकअप मेरा हो चुका था, बिल्कुल बात समझ नहीं आई और ना ही मेरा कोई मसला हल हुआ। जैसे परेशान गई थी वैसे ही परेशान घूम रही हूँ अभी तक। अब लग चुकी थी सबको भूख, मुझे बार बार भूख नहीं लगती है, मील प्रॉब्लम्स रहते हैं मेरे। पानी मेरे साथ था जिसे मैं बार बार इंटेक कर रही थी, और सर्दी में भी मैंने कोई 1.5 लीटर पानी पी लिया था अब तक। और अब हम पहुंचे थे एक रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ खाना था इन्होंने खाना। तकरीबन हम 3 लोग थे, मेरा खाने पर बिल्कुल मूड नहीं था। और यहाँ मैंने रेस्टोरेंट में लोगों के खाना खा के जो लोग जा रहे थे उनके बर्तन थे, मुझे काफ़ी हद तक नौजिया हो रहा था देख देख के, मैं ऐसे देख नहीं सकती कोई चीज़। और मैंने एक टिक्का ऑर्डर किया, वो भी मैंने आधा ही खाया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से ही होंगे। और आज मुझे लग रही है ज़बरदस्त भूख, मैं नाश्ता कर रही हूँ, अगर किसी को करना है तो वो भी कर लें। पराठा नहीं है, सादी रोटी है मेरे पास, और ये सालन है जो मैंने अभी बनाया है। और मुझे बताना है कल वाला अपना प्रॉब्लम। कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान थी। और कल से मेरा ब्लड प्रेशर भी गुस्से से हाई ही है थोड़ा,
रात को भी मैंने रेस्ट की टैबलेट ली थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। हम तकरीबन 4 बजे के करीब घर वापस आए थे। मुझे तो डॉक्टरों की समझ नहीं आती, इतना जलील और परेशान करते हैं ना। अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये हो रहा है तो सरकारी हॉस्पिटल में पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। बस अल्लाह ताला हम मुसलमानों पे रहम ही फरमा दे। एक कान की पेर्सिंग ख़राब हुई है, टापस का बकिया हिस्सा है उस पर थोड़ी सी चमड़ी आ गई है, उसे थोड़ा सा कट करके तो उसमें से वो निकालनी है। 12,000 फीस, सुन करना है, ये करना है, वो करना है, सिर्फ कान सुन करना है। भाई क्या सुन करना है, हम औरतों ने 2-2, 3-3 कान की पेर्सिंग करवाई हुई है, तब तो सुन नहीं करवाते हम। कितनी की चोट आ जाएगी, एक एक झल्ली है छोटी सी कान की, वो पीछे से निकालनी है, उसका 12,000 रुपया उनकी खुद की फीस। उसके बाद हम रेंट की कार पे गए, 6,000 तो वो लगता है। इंसान आउट ऑफ सिटी जाता है, जाहिर है 1,500-2,000 का तो वो खाना खाएगा। परेशान होने के बाद फिर हम घर ही वापस आ गए थे, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। बाकी सब आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। 11 बजे का कह के 1 बजे तो डॉक्टर मिला हमें। तो जी ये आ गया है मेरा लंच, और इसके साथ ही आज की वीडियो का करते हैं एंड। दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।